हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, अभी एक दो दिन से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं मिल पा रही थी, सॉरी उसके लिए। लेकिन आज मैं आपको काफ़ी हद तक के क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, ठीक है, चाहे मुझे थोड़ी लंबी क्लास लेनी पड़े। ठीक, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5.3 का सिक्स क्वेश्चन करते हैं, जिसमें थे ए इक्वल टू टू, डी इज इक्वल टू एट, एस एन इज इक्वल टू 90। तो बताइए एन की वैल्यू क्या है और ए एन की वैल्यू क्या है। ठीक है जी बच्चों, ए अकेला है, डी अकेला है, मतलब ये दोनों टर्म सिंगल टर्म है, लेकिन मेरे पास एस एन तो है। ठीक है जी, नाउ एस एन के लिए काम करेंगे। तो एस एन क्या होता है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 90। तो n अपॉन टू टू, ए की वैल्यू बच्चों मेरे पास है 2, n नहीं पता कोई बात नहीं, d तो पता है 8, 90। n अपॉन टू 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 जा 4, अंदर मल्टीप्लाई 8n माइनस 8, समझ रहे हो, 8n माइनस 8, n अपॉन टू 8n, 8 में तो 4 गया, माइनस 4, 90। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बता दो, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन हम 2 ही कॉमन लेंगे, ताकि ये बन जाए 4n माइनस 2, ताकि मेरे पास 2 से 2 कट जाए, बस मैं ये चाहता था। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर माइनस 2n, 90 उठा के इस तरफ ले आइए, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। बच्चों फैक्टर बनाइए, 4 को 90 से करेंगे 360 आएगा, और 360 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसमें हमारे पास 2 बन जाए। तो 2 1 8 0, 290, 245, 315, 35, 51। बच्चों मुझे 2 चाहिए, तो फैक्टर क्या बनेगा, 20 और 18 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 20 और 18। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, और 2 2 जा 4 और 5 20। हाँ जी, तो 20 में से 18 जाएगा तो क्या 2 आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन बच्चों मुझे 2 चाहिए कैसा, मुझे 2 माइनस का चाहिए, तो मैं माइनस का 20 लूंगा और प्लस का 18 लूंगा। बच्चों काम बन गया, एक 4 कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, n माइनस 5, 18 कॉमन आ रहा है, n माइनस 5, क्योंकि 18 5 जा 90। तो ये हो गया बच्चों n माइनस 5, 4n प्लस 18 इक्वल टू 0, n माइनस 5 बराबर 0, 4n प्लस 18 बराबर 0, माइनस 5 इधर आके प्लस, n बराबर माइनस 18 प्लस का है ना, ये इधर आके माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड। तो प्यारे बच्चों n कभी माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू आ गई 5। Now, अब हमें क्या निकालना है, ए एन, और ए एन होता है ए प्लस में एन माइनस वन डी। ए कितना बच्चों आपके पास 2, एन अभी अभी 5 निकाला, डी कितना है 8, तो 2 प्लस 5 में से बन गया बच्चों 4 इंटू 8 32, और ये बच्चों 34। कोई भी प्रॉब्लम आपको करो। इसके बाद बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देख लो, नोट कर लिया, चलो हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बच्चों, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210। तो कह रहा है एन की वैल्यू बताओ और डी की वैल्यू बताओ। चलो बच्चों अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपके सामने जब भी आ जाए, इस टाइप का कहने का मतलब क्या है कि ए एन और एस एन, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए, ए एन और एस एन दोनों गिवन हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए एन और एस एन दोनों जब भी आपको गिवन हो, तो आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं मैं आपको कि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर देना, 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमें पता है Sn जो होता है वो कई टर्म्स का सम होता है, तो इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, और An जो होता है वो एक पर्टिकुलर टर्म होता है, एनी टर्म होता है, तो इसलिए ये छोटी वैल्यू है, तो आप सबसे पहले छोटी वैल्यू को उठाएंगे। नाउ An बराबर 62, ओपन कीजिए, A प्लस N माइनस 1 D बराबर 62, A की वैल्यू कितनी है 8, हाँ जी, तो 8 प्लस n, चलिए ठीक है इसको ऐसे छोड़ दीजिए, n माइनस 1 डी, या एक काम कीजिए,
ठीक है, इसको सही। प्लस का 8 उधर जाके ले जाइए, 62 माइनस 8 तो n माइनस 1 d, और ये कितना हो गया बच्चों, 8 माइनस होगा 52 और 6 54। ठीक है, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो सबसे सिंपल टर्म कौन सी है यहाँ पे, सबसे सिंपल टर्म d है, तो हम सिंपल टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो n माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है और यहां पर आके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट बच्चों होल्ड कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो देखेंगे यहां तक आ गए। नाउ अब देखिए, अब मुझे पता है ना मेरे पास डी की वैल्यू ना मेरे पास एन की वैल्यू, तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, तो मैं सॉल्व तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो चलिए उठाएंगे एस एन। नाउ एस एन बराबर 210। एस एन कितना बच्चों, एस एन का फॉर्मूला पता है हमें, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 210। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जब आपके पास ए एन की वैल्यू दी गई है तो आप वही वैल्यू क्यों नहीं पुट कर सकते हो। तो बच्चों पुट कर सकते हैं, बिल्कुल 100% पुट कर सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैंने आपसे क्या कहा है कि मैं आपको ऐसा मंत्र दे रहा हूं जो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर देना, हर हाल में सही आएगा। ठीक है, तो आइए चलो, एन हमें नहीं पता, टू ए की वैल्यू हाँ जी पता है 8 है, एन माइनस 1, लेकिन डी की वैल्यू अभी अभी निकाली है मैंने, कितनी 54 अपॉन में एन माइनस 1 बराबर 210। भाई एन माइनस 1 से एन माइनस 1 कैंसिल, तो एन अपॉन 2 16 प्लस 54 बराबर 210। हाँ जी, तो एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 54 और 16 कितना होता है बच्चों, 70 बराबर 210। 2 से इसको काटेंगे 35, 35 यहां मल्टीप्लाई कर रहा, वहां जाके करेगा डिवाइड। बच्चों 7 से काट दो, 7 या 21 जीरो, 7 पंजे 35 और ये कट गया 6। तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 n आ गया। अब क्या निकालना है, d। नाउ पुट n इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बस d बराबर 54 अपॉन में n माइनस 1, और n की वैल्यू अभी ताजा ताजा हमने 6 निकाली है, तो d बराबर 54 अपॉन 5। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो आंसर आ गया 54 अपॉन 5। चलिए कीजिए, नोट कीजिए इसको। ठीक है, और आप चाहो तो a प्लस an वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो, बस लेकिन इसी में, अब जो अगला कराऊंगा उसमें नहीं लगा पाओगे। चलिए नोट कर लिया होगा, सही बच्चों ने नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन है 8th। 8th वो क्या है, an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14, n बराबर पता नहीं, a बराबर पता नहीं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, फिर से an और sn दिया हुआ है, फिर से क्या दिया हुआ है, ए एन और एस एन। तो जब भी ए एन और एस एन दिया जाए तो मैंने बता दिया छोटी टर्म पहले पकड़ते हैं, तो ए एन छोटी टर्म होती है भाई। तो ए प्लस एन माइनस 1 d बराबर 4, ए पता नहीं, एन पता नहीं, डी कितना है, डी है अपना 2, तो ए प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, माइनस का 2 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। तो ए प्लस में 2n बराबर 6। भाई किसी, अब ना मेरे पास ए की वैल्यू ना मेरे पास एन की वैल्यू, तो किसी एक की तो निकालनी पड़ेगी ना, तो प्लस का 2n वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, नाउ
अब किसकी बारी, एस एन बड़ी वैल्यू है माइनस 14, खोलो इसको, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन, इससे पिछला क्वेश्चन हमने वही किया है, एन अपॉन टू, टू ए की वैल्यू अभी अभी कितनी निकाली हमने, 6 माइनस 2n प्लस एन माइनस 1d की वैल्यू पहले से कितनी दी हुई है, 2 बराबर माइनस 14। हाँ जी, तो एन अपॉन टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 60 जा 12, 2 2 जा 4n प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 बराबर माइनस 14, एन अपॉन टू। हाँ जी, 12 में से दो गए 10, 4 में से दो गया 2n बराबर माइनस 14। मैंने फिर से भाई यहां से 2 कॉमन ले लेना है, क्यों, ताकि मेरे पास सिंपल हो जाए। तो 2 लेंगे 10 में से, तो 5 बचेगा क्योंकि 5 2 जा 10, और 2 निकालेंगे तो बचेगा n माइनस 14, 2 से 2 कैंसिल, n 5 माइनस n बराबर माइनस 14, अंदर मल्टीप्लाई 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस 14, उठा के उस तरफ ले जाओ, 0 माइनस का एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस, और माइनस 14 है ही, फैक्टर बनाएंगे आसान आ जाएगा। क्या भाई फैक्टर, भाई 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, n कॉमन लेंगे n माइनस 7, 2 कॉमन लेंगे n माइनस 7। बच्चों फैक्टर बनाना आता है, ये आपको आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में सीखा है। तो माइनस का 7 इधर आके प्लस का, प्लस का 2 इधर आके माइनस का, तो n कभी माइनस में तो होता नहीं है बच्चों, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, n की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है जी। तो n 7 आ गया है, n आ चुका है, अब a की वैल्यू, तो क्या करेंगे, पुट n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी है 7, तो 6 7 दुनी 14, a की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस 8। नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब नाइन्थ और टेंथ देख लीजिए, आज मान के चलिए खत्म करा रहा हूँ मैं आज आपका ये पूरा, ठीक है, ये चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं। अब देखेंगे नाइन्थ, नाइन्थ है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, फाइंड d। बच्चों s का मतलब s n ही होता है, तो बस डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि सबसे बड़ी टर्म हमारे पास यही है, n 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 192। तो n कितना है 8 अपॉन 2, 2a कितना है 3, n नहीं पता, सॉरी अभी तो पता है 8, d नहीं पता 192। बच्चों 2 से 8 को काटेंगे 4, यह आएगा 6, 8 में से बन गया 7d 192। 4 यहां बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा, वहां जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, कैंसिल करेंगे 4, 4 जा 16 और 3 8, तो 6 प्लस 7d बराबर 48, प्लस का 6 बच्चों वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और 7 42, 7 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कट गया 6, और डी की वैल्यू आ गई बच्चों 6। नेक्स्ट टेंथ लास्ट पार्ट थर्ड का, एल बराबर 28 और एस बराबर 144 और देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9, तो फाइंड ए। बच्चों आपको मैंने पहले बता दिया था एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, मतलब कि ए एन होता है, मतलब कि क्या होता है ए एन, ये बात हम शुरुआत के ही चैप्टरों में कर चुके हैं। तो बस हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो बात ही खत्म हो गई, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो क्या लगाएंगे भाई, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था ए एन और एस में जो अपने आपने मंत्र दिया वही मंत्र लगाना है, तो भाई वो भी मंत्र लगा सकते हो, और एक मंत्र और होता है, ठीक है, क्या क्या, अब देखो इसमें डी निकालना है तो इसमें मंत्र लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस में ए एन,
क्यों? क्योंकि इसमें डी तो निकालना नहीं है, हमें ए निकालना है, तो डी की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना है, 144, एन 9 है। सॉरी बच्चों, ठीक है, ए निकालना है बच्चों, और ए एन कितना, 28। हाँ जी, तो 2 यहां पे डिवाइड कर रहा है, यहां पर आके मल्टीप्लाई, 9 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां आके डिवाइड, ए प्लस में 28, 9 से इसके काटेंगे भाई 16, क्योंकि 16 9 जा 144, और 16 2 जा हो जाएगा 32, और प्लस का 28 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 28, तो 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कीजिए, क्योंकि जब मेरे को बच्चों डी की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ निकालना है ए। हाँ, अगर डी निकालने के लिए बोलता ना, तब हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा देते। कीजिए, इसको नोट कीजिए, दोनों को वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए, हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कराऊंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए स्किप करेंगे और आ जाएंगे 5 पे। 5 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 45, सम एस एन बराबर 400, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, एन निकालो और डी निकालो। शायद इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया है, तो आप क्या करेंगे, छोटा टर्म ए एन पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर एस एन को सॉल्व कीजिए, उसमें पुट कीजिए, आंसर निकलेगा। फिफ्थ आपको खुद करना है। सिक्स्थ, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 और लास्ट टर्म इज 350। आगे कह रहा है, रिस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी इज 9, तो हाउ मेनी टर्म, यानी एन निकालो और एस एन निकालो। तो ये भी आपसे हो जाएगा भाई, पहले ए एन सॉल्व करके एन निकाल लोगे, फिर एस एन निकाल लोगे, तो ये भी हो जाएगा। सेवेंथ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है भाई, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। भाई सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स कितना दिया हुआ है आपको, अच्छा ये फाइंड करना है हमें, ठीक है, और दिया हुआ है भाई कि एक एपी का डी दिया हुआ है आपको 7, और 22nd टर्म दिया हुआ है आपको 149। चलो बच्चों, S22 निकालना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, एक तो ये, और एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों, एस के नीचे जो भी लिखा हुआ है या ए के नीचे जो भी लिखा हुआ है, वही एन है। वही क्या है, एन। मतलब अगर एस के नीचे 22 है, तो यहां पर एन इनडायरेक्टली क्या बताया गया है आपको, एन की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली क्या बताई गई है, 22 बताई गई है। तो याद रखना बच्चों, एस के नीचे जो एन है या एन है या एन, ए के नीचे जो एन है, इन सबको जो नीचे डिजिट लिखी हुई है, ये इन्हीं के रिश्तेदार हैं और इन्हीं के नंबर को बिलोंग करते हैं। अगर मैं A22 को बच्चों सॉल्व करूं, तो ये बनेगा A प्लस में 21D, 149। अब मेरे पास बच्चों A की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन D की वैल्यू है, और मैं यहां से 147 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और A की वैल्यू आएगी 2। A की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और अब मुझे क्या निकालना है, S22। नाउ तो बच्चों, मैंने अभी अभी क्या बताया, एस के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो एन का रिश्तेदार है, मींस जहां जहां पर एन है इस वाले फॉर्मूले में, वहां पे 22 रख देंगे। तो 22 अपॉन 2, ए ए कितना है, 2, ए एन कितना दे रखा है, 149। तो बस भैया इसे इसको काटा, 11, 11 मल्टीप्लाई में 151, तो 11 का 155 और 165, और ये इतना, तो आंसर आ गया 1661। करो बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फिफ्थ और सिक्स्थ आप आराम से कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में करवा चुका हूं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया, अब 8 देखेंगे सभी बच्चे। चलिए मिटा दूं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। फर्स्ट 51 टर्म का मतलब S51 का टर्म हमें फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। और कह रहा है कि जिसका सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है। ठीक है, चलिए तो ये निकालना है। ठीक है भाई, नाउ बच्चों A2 बराबर 14 मतलब A प्लस D बराबर 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ A3 बराबर 18 थर्ड टर्म 18 है, तो यानी कि A प्लस में 2D बराबर 18 इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, A प्लस D बराबर 14, A प्लस 2D बराबर 18, माइनस माइनस माइनस, पता है ना क्यों भाई, सबका साइन चेंज। A पहले से ही बराबर कट गया, 2D में से D गया माइनस का D, 18 में 14 गया माइनस का 4, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन चेंज, माइनस से माइनस कटा, बच्चों D की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू क्या आ गई 4। पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस D बराबर 14 और A प्लस D 14 का 4, 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, A की वैल्यू आ गई 10, A की वैल्यू आ गई 10, तो A आ गया 10, D आ गया 4। नाउ अब हमें क्या निकालना है, S51। तो आपको मैंने बता दिया भाई कि S के नीचे जो भी लिखा हुआ N की बिरादरी का है। अब हमारे पास AN तो है नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि N51 टू A की जगह 10, N की जगह 51 और D की जगह क्या आएगा बच्चों 4। सारी वैल्यू हमारे सामने है, यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 50 इंटू में 4, ये जाएगा 51 अपॉन में 2, 20 प्लस में 200, तो 51 अपॉन में 2 इंटू में 22, 220 और ये 110, तो 51 इंटू में 110, तो 0, 51 का 1, 5 और ये 56 आंसर करो। इसके बाद 9th कराता हूं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हो गया नोट। अब देखो 9th, नाइन्थ में कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। हाँ जी, चलो से शुरू करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा पहले तो भाई लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम वाला आ गया ना, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले में हमें लेट करना पड़ता है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो बच्चों फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या दिया हुआ है, ए, माना एपी का प्रथम पद, ठीक है ना, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी तो कितना डी, तथा एपी का सार्वंतर। नाउ अब क्या है, एपी का सार्वंतर, हाँ जी डी आ गया, अब बोल जो जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म्स, हाँ जी फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49। ठीक है, पहले 7 पदों का योग, पहले 7 पदों का योग, तो यानी S7 बराबर 49, भाई पहले 7 टर्म तो यही होगा। अब इसको पूरा बड़े वाले फॉर्मूले से खोल दो, 7 बाय 2, 2A प्लस N माइनस, N माइनस मतलब 7 माइनस 1, D बराबर 49।
तो भाई ये टू यहां पे डिवाइड कर रहा, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, सेवन में से बन गया 6D। टू यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी डिवाइड कर रहा है, यहां मल्टीप्लाई, सेवन यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां डिवाइड, कट जाएगा सेवन। तो 2a+6d बराबर 7, 2 जा 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, ये दे रखा तुम्हें 289, पहले 17 पदों का योग, पदों का योग, ठीक है, पहले 17 पदों का योग। नाउ तो क्या बन जाएगा ये, S17 बराबर 289। तो लगाओ फॉर्मूला इसमें, 17 अपॉन 2, 2a+17 -1d बराबर 289। हाँ जी, तो 17/2, 2a+, 17 में से गया 16d बराबर 289। बट 2 यहाँ डिवाइड कर रहा, वहां जाके क्या करेगा, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड। बच्चों 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 से कट गया, तो 2a+16d और 17 दूनी 34, इक्वेशन नंबर क्या आ गया बच्चों, सेकंड। तो आपको पता ही है क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण एक व दो को हल करने पर। तो ये बनेगा 2a+6d बराबर 14, 2a+16d बराबर 34, माइनस 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 कट गया, 16 में से चले गया भाई माइनस का 10d, 34 में से 14 गया क्योंकि माइनस है, तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, टेन डी बराबर 20। टेन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, 0 से 0 कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है बच्चों, अब पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट, डी का मान समीकरण एक में रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट है 2a+6d बराबर 14, तो 2a+6d की वैल्यू 2, 2a+6 × 12 बराबर 14। हाँ जी, तो 2a+14 - 12, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 2, और बच्चों को बताइए 2 से 2 कटेगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, नाउ अब लास्ट में इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग, एन पदों का योग। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a+n - 1d, यही होता है फॉर्मूला भाई सम ऑफ एन टर्म्स का। ठीक है, चलिए, तो एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a की वैल्यू 1, n - 1d की वैल्यू 2, तो n अपॉन 2, 2 × 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2n - 2, भैया 2 से 2 कट गया, n अपॉन 2, 2, हाँ जी 2n, तो 2 से 2 कट गया, n इंटू n, n स्क्वायर। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया, n स्क्वायर। अब आप देख सकते हो n स्क्वायर से, अगर मान लो यही क्वेश्चन बच्चों आपका एक नंबर में आ जाए, यही क्वेश्चन आपका किस में आ जाए, एक नंबर में आ जाए, तब आप कैसे करेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से कर लेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन, तो बच्चों सीधा लॉजिक फिट हो रहा है, 7 7 का स्क्वायर 49, 17 17 का स्क्वायर 289, तो n, तो n का स्क्वायर। तो मतलब ये उसी लॉजिक पे बेस्ड है कि जितने नंबर का टर्म है उतना ही उसका क्या है, स्क्वायर है, उतना ही उसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, करो करो, एक लास्ट क्वेश्चन फोर्थ और करा देता हूं, फिर इसका एक पार्ट और बनाएंगे हम। ठीक है, एक पार्ट और बनाएंगे, एक पार्ट और बनाऊंगा इसका, जिसमें मैं आप लोगों को एपी के आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और ये भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया होगा, चलो देखो जरा। ये चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे उसी के लिंक के हैं अब। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चन गए, और आपको क्वेश्चन नंबर एक बार 4 ट्राई करना है। कौन सा ट्राई करना है? क्वेश्चन नंबर 4। तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में विद आर डी शर्मा। चलिए बाय।